1936 में आज के दिन मशहूर गीतकार गुलजार का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। इनकी मुख्य रचनाएं हिंदी, उर्दू और पंजाबी में मिलती हैं। गुलजार ने अपने करियर की शुरुआत 1961 में निर्देशक बिमल रॉय के सहायक के रूप में की। गुलजार ने ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर भी काम किया। इनके गीत है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान और गंगा आए कहां से को बेहद पसंद किया गया। इन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया जिनमें मेरे अपने, परिचय, अचानक, मौसम, इजाजत, लिबास आदि मशहूर फिल्में हैं। 2009 में डैनी बॉल निर्देशित फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में इनके लिखे गीत जय हो के लिए गुलजार को सर्वश्रेष्ठ गीत के ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया और इसी गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2013 में गुलजार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1945 में आज एक दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन की खबर आई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजनेता होने के अलावा एक वीर सैनिक और कूटनीतिक के रूप में जाने जाते हैं। बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आजादी हासिल करने के लिए ब्रिटेन का मुकाबला आजाद हिंद फौज बनाकर किया। सुभाष चंद्र बोस की मौत हवाई दुर्घटना में मानी जाती है, हालांकि इस बारे में काफी विवाद है। कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के कुछ दिन बाद दक्षिण पूर्वी एशिया से भागते हुए एक हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। एक मान्यता यह भी है कि बोस की मौत 1945 में नहीं हुई, वह उसके बाद रूस में नजरबंद थे। उनके गुमशुदा होने और दुर्घटना में मारे जाने के बारे में भी कई विवाद हैं और आज भी नेताजी की मौत के बारे में पुख्ता प्रमाण नहीं है। 1964 में आज एक दिन दक्षिण अफ्रीका को टोक्यो में होने वाले 18वें ओलंपिक खेलों में भाग लेने से मना कर दिया गया था। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद की निंदा करने से मना कर दिया था। फैसला सुनाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कहा कि यह फैसला तब वापस लिया जाएगा जब दक्षिण अफ्रीका खेलकूद में जाति भेदभाव खत्म करेगा और अपने देश में गोरे और काले खिलाड़ियों में भेदभाव बंद कर देगा। हालांकि इस घोषणा के पहले दक्षिण अफ्रीका ने कहा था कि ओलंपिक खेलों में जाने वाले 62 खिलाड़ियों के दल में वो 7 काले लोगों को भी शामिल कर रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के इस कदम से भी कोई बात नहीं बनी। 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक खेलों तक ओलंपिक संघ का फैसला बरकरार रहा। और 1992 में आज एक दिन सर्बिया के बंदी ग्रहों की बदतर हालत को सबके सामने लाया गया था। सर्बिया के 2 बंदी ग्रहों की तुलना पृथ्वी पर नरक के समान की गई। फ्रांस के मानवाधिकार मामलों के तत्कालीन मंत्री बर्नार्ड कॉशनर ने कहा कि यूरोप की सरकारों को त्रियोमपोली और मनियांका में स्थित बंदी शिविरों को बंद कराने के लिए प्रयास करने चाहिए। टेलीविजन पर दिखाई गई भयावह तस्वीरों के बाद दुनिया भर में इन बंदी ग्रहों के खिलाफ आवाज उठाई गई। लोगों ने इस बंदी ग्रह की तुलना नाजी बंदी ग्रहों से की। हालांकि इन शिविरों की निगरानी कर रहे सर्बिया के सुरक्षा कर्मियों ने इस बात से इनकार किया कि यह बंधक भूख से मरने की कगार पर थे और कहा कि ये लोग सिर्फ बीमार थे। सर्बिया ने इन बंदी ग्रहों की स्थापना को सही ठहराते हुए कहा कि यह उन मुसलमानों से पूछताछ के लिए बनाया गया एक केंद्र है जिन पर लड़ाके होने का शक है।